वेल दिस इज द वीडियो विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, स्किल्स वीडियो, जो मैंने एडमिशन के समय बोला था ना कि अगर आपके पास स्किल्स है, सही स्किल्स है, तो आप SRCC स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आप उन 1% ग्रेजुएट्स के क्लब में पहुंच जाएंगे जो आप लोगों को हाईएस्ट प्लेसमेंट देगा। और स्किल्स ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आपको ये करना चाहिए, स्किल्स को एक्वायर कहां से करना चाहिए। और मेजरली मैं बात करूंगा फ्री कोर्सेज के बारे में भी, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिले। देखो यार, अभी से CV बनाना चालू कर लो, CV का थोड़ा सा माइंडसेट रखो, क्योंकि थर्ड ईयर में आके आप लोग इतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाएंगे CV के लेके। तो फर्स्ट ईयर से अगर मुझे भी पता चलता ना, तो फिर मैं CV को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता। तो अभी से थोड़ा सीरियस हो जाओ। कौन से स्किल्स है, स्किल को कहाँ से एक्वायर करें, सर्टिफिकेट में कैसे उसको बदल ले, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग CV कैसे तरीके से बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ मैं ये वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और आपका भैया तो हमेशा आपके साथ खड़ा ही है, जो कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, आप लोग के लिए बहुत सारी स्पेशल चीज आने वाली है। और जरा सा भी डाउट है या फिर आपको मुझसे बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे बात कर सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर देता हूँ। लिंक्डइन में फॉलो भी कर लो, क्योंकि वहां पे भी मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहूंगा, और वो भी आप लोग को इंस्पायरिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कौन से स्किल्स हैं जो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेना है। देखो यार, मैं अभी के लिए फ्यूचरिस्टिक बात कर लेता हूँ। अभी फ्यूचर में क्या है, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, सारे चीज़ कंप्यूटराइज होके हैं। अब नॉर्मल में आप लोग एक्सेल में काम कर लेंगे, या फिर आप लोग हैंड रिटन में बैलेंस शीट टैली कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। माना कि फाइनेंस में आपका स्ट्रांग होगा, या फिर आपको कोई अदर फील्ड में स्ट्रांग होगा, लेकिन उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा स्किल्स है जिसको लगता है ना 1% में मिल जाता है कैंपस प्लेसमेंट, जिसको 24 लाख से नीचे किसी का बात ही नहीं होता, जहां आप लोग रिक्रूटर को बोलेंगे कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा, कौन सा ऐसा स्किल्स है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे बात करते हैं, एक्सेल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है, एक्सेल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रियली 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 बेसिक। मैंने ऐसा भी देखा है जो ऑल इंडिया रैंक लाया, उसको एक्सेल नहीं आया, कंपनीज उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब जब लोग इंटरव्यू होता है ना, तो शॉर्टकट कीज पूछा जाता है इंटरव्यू में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V नहीं पूछा जाता है, VLOOKUP पूछा जाता है, HLOOKUP पूछा जाता है, आप लोग पाइवट कैसे टेबल डालेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, एक मतलब बहुत रॉ डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, पूरा चीज़ पूछा जाता है, और वो इंटरव्यू में मुंह से आपको बोलना पड़ता है। तो प्लीज़, एक्सेल का बेसिक 3 स्टेज होता है, एक्सेल का बेसिक और इंटरमीडिएट, ये तो आपको मास्टर कर लेना चाहिए। एडवांस आपका ऑप्शन है कि आप लोग जाए कि नहीं जाए। नाउ सेकंड आता है आप लोगों का फ्यूचर फोकास्टिंग एंड बजटिंग। देखो, एक्सेल से ही एक एडवांस एक स्टेप आगे है, दैट इज़ फ्यूचर फोकास्टिंग एंड बजटिंग। मतलब कंपनीज लोग ना, जो लोग फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको फ्यूचर फोकास्टिंग तो आना ही आना चाहिए। जो लोग फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हैं, मतलब कि आज का डेट से 5 साल में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगा, मुझे जो कॉस्ट है वो कौन से सेक्टर में, कौन से पर्टिकुलर हेड का रिड्यूस करना है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, किस तरीके से उनको रेवेन्यू होगा, ये होता है फ्यूचर फोकास्टिंग। आप लोगों को इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना है, जिन लोगों का फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूएशन एंड मॉडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर्स आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कौन से तरीका से होता है वैल्यूएशन, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से मेथड्स है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वैल्यूएशन मेथड भी सीखें, और इसको आपको सीखने के लिए आपको सिंपली लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएशंस के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, और डिफरेंट आपको सैंपल फॉर्मेट भी मिल जाएगा। देखो, जैसे मैंने कहा कंप्यूटराइज हो चुका है, अगर मान लीजिए मैं पेटीएम में काम किया हूँ 1 साल, और मुझे इतना इंपॉर्टेंट समझ आ गया कि एक डेडली कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जो लोगों ने बात नहीं करता है। अगर आपको फाइनेंस के ऊपर नॉलेज है, मतलब फाइनेंस ना आपका अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि C++ सीख लो, जावा सीख लो, ये सब नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज, एंड दैट इज डेटा मैनेजमेंट का, डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेटीएम में जब मैं था, मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा से आता था, लेकिन अगर मेरे को SQL और हाइव ये दोनों अच्छा तरीका से आ गया ना, मतलब मैं ना सीरियसली रिक्रूटर को बोलता कि मुझे 50 लाख दीजिए तब मैं आऊँ। भाई ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, डेटा मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। टैली मान लीजिए भाई, जो लोग का फाइनेंस का नॉलेज है और जो कंप्यूटर है, मतलब अगर मैं बोलूँ टैली एग्जिस्ट नहीं करता आज का डेट पे, आज का डेट पे मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी बोले कि भैया मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो जहाँ पे मैं डेटा एंट्री करूँगा तो लेजर में और बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। मुझे फाइनेंस का भी नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर का भी नॉलेज है, मैं ये क्रिएट कर पाऊँगा, तो क्या मुझे वो कंपनी 1 करोड़ नहीं देगा?
इजीली देगा। बट मैं बोलता हूँ कि आपको सी प्लस प्लस और जावा बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, इसको आप मत सीखिए। SQL एंड जावा, SQL एंड हाई बहुत ज़्यादा इजी बेसिक चीज़ है, आप लोग YouTube से भी सीख सकते हैं इसे। अगर मैं फ्री में बताऊंगा, अभी YouTube में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिल जाएगा फ्री में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सीखना है ना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत यूट्यूबर्स लोग इन्फ्लुएंसर इस बारे में बात नहीं करते, जो मुझे पेटीएम में जाके पता चला। मैं डेटा जो मैनेज करता था ना, लिटरली डेटा मैनेज करके SQL में फीड करता था, SQL से निकालता था, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता था। अगर डेटा मैनेज करना आ गया ना, उसके बाद तो फाइनेंस का आप लोग बहुत ज़्यादा ईजिली आप लोग कर पाएंगे। फाइनेंस को कोई आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको डेटा और डेटा पे किस तरीके से खेलना है वो सिखाने के लिए आपको हाई और SQL आना चाहिए। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर से सीखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये पॉइंट लिखते हैं ना कि आई हैव नॉलेज अबाउट SQL एंड हाइव, द रिक्रूटर विल ब्लो, मतलब कि जो कंपनी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा ना, उसका दिमाग हिल जाएगा कि कौन आके बैठ गया मेरे सामने। और भले आपको साउथ कैंपस कॉलेज क्यों ना हो या फिर नॉर्थ कैंपस कॉलेज, अगर आपके पास CV में ये है तो आपको ऑफ कैंपस अभी 20 लाख का पैकेज लग सकता है। तो प्लीज़ 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 ट्राई दिस, क्योंकि देखो यार, आप लोग तो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑडियंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से भी आगे चले, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर CV, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर केस स्टडीज। जितना भी अभी कॉलेज में चल रहे होंगे ना, इंटर कॉलेज ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, जो नॉर्थ, अगर साउथ कैंपस आपका कॉलेज अलॉट हुआ है तो नॉर्थ कैंपस का जो इंटर कॉलेज केस कॉम्पिटिशन्स होता है या फिर कुछ भी कॉम्पिटिशन्स होता है ना, तो जाके ज़रूर भाग लेना। इससे आपका CV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। अब देखो, बहुत तो बोले हैं कि मैं इतना सारा चीज़ तो बोल चुका हूँ, अब कौन से स्किल्स कहाँ से सीखना है ये कहाँ से पता चलेगा। चलिए आपको मैं डायरेक्ट स्क्रीन में ले चलता हूँ, जहाँ आपको पूरा हर एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से आपको सीखना है। काफ़ी लोग अब बोलेंगे कोर्सेरा और उडेमी का कोर्स बेचना चालू कर दूंगा। नहीं यार, मैं आप लोगों को एकदम फ्री में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे, साथ साथ सर्टिफिकेट्स जो आप लोग CV को इम्प्रूव कर पाएंगे सर्टिफिकेट के साथ। तो प्लीज़ वीडियो बिल्कुल एंड देखिएगा, उडेमी का कोर्स ही आप लोग के लिए मैं फ्री बता दूंगा, तो उसके लिए सब्र करिए और वीडियो बिल्कुल एंड देखिए। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ले चलता हूँ स्क्रीन में डायरेक्ट कॉलेज विद्या का, जबकि आप लोगों को मैं फीचर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप स्किलिंग एंड सर्टिफिकेट देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा वैसा स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट से बनाया गया स्किल्स है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्टिफिकेट का अगर मैं ऑप्शन में जाऊँ, सेकंड ऑप्शन जो दिखा रहा है, यहाँ पे सारे डिटेल में बताया गया क्या क्या आप लोग सीख सकते हैं इस कोर्स में। डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन, साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, एनालिटिक्स एंड साइंस एज वेल, IT मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग पूरा स्किल्स पढ़ पाएंगे, जो जो स्किल्स इसमें दिया गया है, मैं सीरियसली बोलूँ ना, स्किल्स का सर्टिफिकेट्स में यहाँ पे जो आप लोग को वैल्यू ऐड करेगा CV में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड कर सकता है। और आप लोगों को पता ही होगा, ड्यूअल डिग्री भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब अगर अभी आप लोग BCom ऑनर्स में एनरोल्ड है तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में कोई और भी कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए BBA करना है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे जा सकते हैं, सिंपली आपको लॉग इन करके अपना डिटेल्स भरना है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स भरने के बाद आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, आप लोग कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लेना है, ऑनलाइन एजुकेशन करना है। वो बहुत ज़्यादा आप लोग को बूस्ट कर देगा, क्योंकि आपके पास ड्यूअल डिग्री रहेगा और प्लेसमेंट में आप लोग बहुत अपर हैंड में रहेंगे। तो जाओ यार, यहाँ कॉलेज विद्या में आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्किल्स एंड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टैब में एक जॉब गारंटी भी है, जो कि आप लोग उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए जाके इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वी आर पोस्टर प्रोग्राम वर्थ 699 बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो जाइए जाके लिंक यूज़ करिए और स्किल्स एंड सर्टिफिकेट और ड्यूअल डिग्री का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। नेक्स्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है, एंड दैट इज़ ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज़। अब आप लोग बोलेंगे इसमें सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। देखो, और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जाना है नीचे, नीचे जाने के बाद आप लोगों को डिजिटल लर्निंग हब दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप लोग को सारा सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। देखो यार, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों नेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये खुल गया है। और ये पेज खुलने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी दिखा गया है।
थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए। देखो यहाँ पे ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आप लोग का काम आएगा फ्यूचर में। और ICAI का अगर ये प्रोवाइड कराना सर्टिफिकेट, इसका ऊपर तो 1% भी डाउट नहीं रहेगा जो भी रिक्रूटर देखेगा। तो जाओ और यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है जिसमें आप लोग एक्सप्लोर मोर करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, ये जो जितना भी फ्री कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं ये पेड है। अगर आप लोग को पेड करना है तो पेड तो कर ही सकते हैं, दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जितने भी फ्री कोर्सेज देख रहे हैं, जो मैं आप लोग को दिखाया था स्क्रीन पे स्टार्टिंग में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ऑनलाइन कोर्स में, जैसे आपने देखा मैं यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाया तो मेरा ये लॉगिन पासवर्ड पूछा जाता है, ये सिर्फ CA स्टूडेंट्स के पास ही होता है। जो लोग CA स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग फ्री कोर्सेज नहीं कर पाएंगे, पेड हालांकि कर ही सकते हैं। लेकिन जो लोग CA स्टूडेंट्स हैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना और ट्रेंडिंग और पॉपुलर कोर्सेज में आप लोग जाके सारा चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो बहुत तो बोलेंगे उडेमी और कोर्सेज के बारे में, मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में करने वाला हूँ उडेमी का क्लासेस। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उडेमी का ये पेज है, उडेमी का पेज में आप लोग मतलब कि बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, जो भी मैंने बताया है ना सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन इसको आपको कैसे फ्री कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है डिस्क उडेमी, डिस्क आप लोग को सिंपली गूगल में लिखना है डिस्क उडेमी और सर्च करना है। फर्स्ट लिंक आएगा जो कि आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक क्लिक करने के बाद आप लोग को ना एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना है, फ्री इंग्लिश कोर्सेज जो मैंने सेलेक्ट किया है वैसे आपको करना है। यहाँ पे जो भी कोर्सेज दिख रहा है ना सारा फ्री है विथ सर्टिफिकेट, ये आप लोग CV में भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो मुझे सीखना है यहाँ पे मास्टर कोर्स इन बिग पिक्चर थिंकिंग लाइक CEO, जैसे मैं ये क्लिक किया ये लेके चल जाएगा मुझे ये पेज पे। यहाँ पे मुझे जाना है अपना टेक कोर्स पे क्लिक करना है, टेक कोर्स पे क्लिक करने के बाद ये एक लिंक देगा जहाँ पे आपको मुझे क्लिक करना है और वो मुझे उडेमी का ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा और वो कोर्स मेरे लिए फ्री कर देगा। मतलब जो मेरे लिए वो पे करना था अब वो पे नहीं करना पड़ेगा, उडेमी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और मैं ये कोर्स भी कर लूँगा। 799 का कुछ मिल रहा था ये अब फ्री हो गया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ऐड टू कार्ट एंड एनरोल होगा, आप लोग सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेट भी इसका मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ये दिख रहा है। तो आप लोग जाइए जाके इस्तेमाल करिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये सब का कहाँ मिल जाएगा, ये आपको लिंक्डइन में मिल जाएगा। मुझे फॉलो कर लेना लिंक्डइन में, मैं भी बहुत सारी चीज़ शेयर कर दूंगा वहाँ पे, और लिंक्डइन पे मैं अपना आईडी भी दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब मुझे फॉलो कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं खासकर इंटर्नशिप्स के ऊपर आने वाले हैं। एक हिंट दूँ, जो भी आप लोग लिंक्डइन में जाइए ना जिसका अच्छा प्लेसमेंट लगा है, जो BCG में है या कंसल्टिंग में है या फिर बिग फोर में है, तो उसका ना एक्सपीरियंसेस देखिएगा कि कौन कौन से एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ उन्होंने किए, आप उसे रोल मॉडल समझ लीजिए। देखो रोल मॉडल ना आसपास ही होता है, बस आप लोगों को सही लोगों के पास जाके पूछना होता है कि उन्होंने क्या किया। जैसे मैं अपना सारा नॉलेज शेयर करता हूँ, बहुत लोग होते होंगे जो शायद YouTube पे नहीं या अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। जो लोग अच्छा है बिग फोर में है या फिर कंसल्टिंग में है तो उनसे पूछिए कि उनका कौन कौन सा एक्सपीरियंस है, वैसे ही उनका दिख जाता है एक्सपीरियंस। तो आप लोग उस बात पे फॉलो कर सकते हैं इंटर्नशिप्स पे, लेकिन इंटर्नशिप्स पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मिलता है डॉक्टर में, तक के लिए बाय।